हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं ऐसी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो शायद आजकल बहुत ही कम लोग लगाते हैं, या तो फिर ये बाजार में मिलना ही बंद हो गया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए देखते हैं कौन सी सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है झींगी। इसे हम सतपुतिया झींगी कहते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और ये इसकी साइज इतना ही होती है, इससे ज़्यादा बड़े ये नहीं होते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनके तैयार होता है। और आप देख पा रहे होंगे इसकी साइज बस इसी तरह की साइज होती है। और ये मैं पहली बार लेके आई हूँ बाज़ार से, इतने सालों के बाद ये मेरे को मार्केट में पहली बार मिला था, तो मैंने इसको ले लिया फटाफट से। और इसको मैं यहाँ पे अच्छे से, सबसे पहले इसको मैं पील करूँगी। तो इसको छीलने के लिए हमें कोई पीलर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पीलर से छीलेंगे ना, तो दिखाती पीलर से छीलने पे क्या होगा। जब हम इसे पीलर से छीलेंगे तो इसके सारे पार्ट निकल आएंगे, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हम पीलर से नहीं छीलेंगे, चाकू की सहायता से सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को हल्का हल्का सा हटाएंगे और फिर इसे हम अच्छे से धो लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सतपुतिया झींगी की रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। और ये सब्ज़ी मुझे पहली बार मार्केट में मिली तो मैंने इसको फटाफट से ले लिया और मैं पहली बार बना रही हूँ सतपुतिया झींगी की रेसिपी। पहली बार मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया था, सिर्फ मैं कई बार नाम सुनती थी। और हेल्दी तो है ही, बाकी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो मैंने सतपुतिया झींगी को बहुत ही अच्छे तरीके से छील लिया था, धो लिया था और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। अब इसे मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ और मसाले ले लेती हूँ। मसाले में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे धनिया लिया है, सूखी लाल मिर्च है, थोड़ी सी सौंफ है, काली मिर्च है और ये राई है, मतलब सरसों पीले वाले, और थोड़ा सा जीरा है। अब हम क्या करेंगे, मसालों को जो हमने प्लेट में लेके रखा है, एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे और इसे मैं यहाँ पे भून लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे ही चटकना शुरू हो जाएगा सरसों, बस हमारा भुना हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे सीम आँच पे मैंने भून लिया था और आप देख पा रहे होंगे सरसों यहाँ पे चटक रहा है। तो फटाफट से गैस को उधर कर देते हैं और मैं इसको सिलबट्टे पे पीसने वाली हूँ। आज की रेसिपी तो एकदम चटाकेदार, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सिलबट्टे पे रख लिया है सभी मसाले को रोस्ट करके, और अब मैं इधर पे पैन चढ़ा देती हूँ जिसमें मैं सतपुतिया झींगी की सब्जी बनाने वाली हूँ। वैसे तो इसको तुरई भी कह सकते हैं आप, लेकिन सतपुतिया झींगी की स्वाद और इसका टेस्ट और इसका बॉडी पे जो हेल्थ ये देता है ना, बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो चुका था, तो एक तेज़पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के यहाँ पे मैंने सतपुतिया झींगी को डाल दिया है। इसको डालने के बाद तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे मैंने मसूर के दाल को, दो मुट्ठी मसूर के दाल को अच्छे से भिगा लिया था और इसको बहुत ही रगड़ रगड़ के मैंने धो लिया और यहीं पे इसको मैंने डाल दिया है। इसको डालने के बाद यहाँ पे नमक डाल दूँगी ताकि दाल को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। आप अपने सेहत के अनुसार भी नमक यहाँ पे डाल सकते हैं, और नमक आप सेंधा नमक खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। और ढककर मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारा उधर दाल और थोड़ा सा तुरई गलता है, तब तक मैं इधर मसाले को पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से सिलबट्टे में और मसाले को रोस्ट करके सतपुतिया झींगी में डालिएगा ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं अदरक डाल रही हूँ और लहसुन आप खाते होंगे तो यहाँ पे लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं। और अगर आप लाल मिर्च खाना नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है और इसको मैं उठा लूँगी अपनी कटोरी में। मसाले कुछ इस तरीके से सिलबट्टे पर से उठाते हैं, ये देखिए पानी रहता है ना, जिस पानी से मसाले को पीसते हैं उसी पानी में हम उठा के रख लेंगे मसाले को, और बाकी जो होगा थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी हम धुल के निकालेंगे। और ये मसाले सब्जी का स्वाद ही बदल के रख देगा, एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ये सतपुतिया झींगी या तोरई की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हमने, देखिए एक बार दिखा देती हूँ, अभी तो दाल गली नहीं है, बस मैं ऐसे दिखा रही थी, हालांकि इसको बार बार चलाते रहने होगा। और अब यहाँ पे मैं मसाले को डाल रही हूँ क्योंकि मसाले को भी भुनना ज़रूरी होगा, तो थोड़ा सा मसाला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जितना हमें ज़रूरत है। और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी और इनको अच्छे से चला लूँगी
और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है देगी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता, बस कलर के लिए होता है, तो थोड़ा सा डालें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलाने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है इसमें, और इसको फिर से मैं ढककर छोड़ दूँगी एकदम मीडियम टू लो आँच पे। लो आँच पे रखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से दाल यहाँ पर गल जाएगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सब्जी दाल गल गई है थोड़ी सी, तब यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, देसी टमाटर, ये बहुत ही टेस्टी बनाएगा सब्जी को और भी ज़्यादा। और इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मिक्सी जार में डाल के टमाटर को पीस लीजिए, उसके बाद सब्जी में डाल दीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा बनाएगा सब्जी को, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी बनाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है, और टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से भून देंगी, और इसे फिर यहाँ पे ढककर छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो गर्म पानी करके रखा था यहाँ पे फिर से डाल रही हूँ, क्योंकि दाल को थोड़ा देर हमें और पकाना है और टमाटर को भी गलाना है, तो ये दाल और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, उसके बाद ये सब्जी हमारा तैयार होगा। और यहाँ पे अच्छे से मैं पानी को मिक्स कर देती हूँ और इसको अच्छे से ढककर छोड़ दूँगी, जब तक ये दाल गल नहीं जाता तब तक छोड़ दूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और गरम मसाले पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब इसे मैं यहाँ पे ढककर छोड़ दूँगी और आँच को एकदम लो कर दूँगी। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दाल और ये झींगी जिसे तुरई भी कहते हैं, ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो ये जो दाल घोटने वाली आती ना, उसे यहाँ पे मैं हंस के हाथों से मैश कर रही हूँ, और इसी तरीके से आप यहाँ पे मैश कर दें और इससे सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे तरीके से मैश कर दिया है, और ये हमारी सतपुतिया झींगी या तुरई की सब्जी एकदम लाजवाब, एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसालों जो हमने यहाँ पे रोस्ट करके और पीस के डाले थे ना, उसकी तो खुशबू कहना ही नहीं है, बहुत ही लाजवाब स्मेलिंग आ रही है नाक में, बहुत ही टेस्टी स्वाद और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रहा है इस सब्जी से। तो यहाँ पे ये सब्जी हमारा एकदम बनके तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा सा उबाल आने देंगे यहाँ पे। उबाल आने के बाद मैंने इस चूल्हा को ऑफ कर दिया था, और अब यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्दी लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर ये सब्जी, ये रेसिपी, ये सतपुतिया झींगी की सब्जी थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे कई फ्रेंड्स लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, सिर्फ वो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप भी लाइक कर दिया कीजिए, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी को लेके नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।